जी, सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना देते हैं पूरे नगरवासी को, झाझावासी को और हमारे बच्चों को। गणतंत्र दिवस के बारे में एक छोटा सा बात हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जो गणतंत्र दिवस है, ये दिवस पहले तो सभी बच्चों को स्पेशली इसके बारे में डीपली जो यहाँ के पेरेंट्स हैं वो समझाएँ, क्योंकि आजकल का जो सोशल मीडिया का चलन हो रहा है ना, इसमें फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे, वो डे, सब डे डे एक मतलब सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाता है। और स्कूलों में भी मैंने देखा है कई बार कि जैसे टीचर इसको डिस्क्राइब करते हैं, हो सकता है वो पूरी तरह से इंग्लिश में डिस्क्राइब करती है या थोड़ा इस ढंग से चलता है कि एक बस एक सेलिब्रेशन बन के रह जाता है। एक्चुअल में गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है और इसको पाने के लिए कितना कुछ हमें करना पड़ा, ये बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा संक्षेप में ही बताएंगे कि गणतंत्र दिवस को बनाए रखने के लिए हमारे बच्चों को जो ज्ञान का आवश्यकता है, वो ज्ञान हमें हमारे बच्चों को देना चाहिए। यही मैं ये छोटे से मैसेज के साथ गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना देता हूँ झाझावासियों को, नगरवासियों को और हमारे बच्चों को। सर, आपके विद्यालय में किस वर्ग से लेकर हमारा विद्यालय जो है, हमारे विद्यालय में नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक की पढ़ाई होती है। और इस वर्ष एडमिशन के साथ साथ एक हमने नया स्कीम स्टार्ट किया है, एक तरह से इसको स्कीम कह सकते हैं, हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है क्लास 6, 7, 8 के बच्चे दे सकते हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर वो चयनित होते हैं तो उनकी बाकी पढ़ाई, 10 तक की पढ़ाई जो होगी, उसका कोई भी ट्यूशन फी नहीं लगेगा। तो सर, ये स्कॉलरशिप जो है यहाँ पढ़ रहे मतलब अध्ययनरत बच्चों के लिए है या फिर नए बच्चे जो है? नए बच्चे के लिए है। जो पढ़ रहे हैं वो तो हमारे साथ ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके अलावा एक फैसिलिटी है, अगर कोई बच्चे 6, 7, 8 में एडमिशन लेना चाहते हैं, और साथ ही एडमिशन तो वो नॉर्मल तरीके से ले ही सकते हैं, लेकिन अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं और उसमें चयनित होते हैं तो उनका, जैसे मान लीजिए अगर वो 6 में एडमिशन लेता है तो 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10 तक की पढ़ाई उसकी फ्री होगी, कोई भी ट्यूशन फी उसको नहीं लगेगा। तो सर, ये मतलब क्या इसका कोई डेट निर्धारित किया गया है? जी, इसका डेट है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका 26 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है, 26 फरवरी को इसका एग्जाम है। 26 फरवरी? जी। सर, फॉर्म फिलअप करने का क्या प्रोसेस है? फॉर्म फिलअप करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये हमारे वेलहम चैम्स स्कूल नियर बस स्टैंड झाझा ऑफिस में आकर के इसका फॉर्म ले सकते हैं और इसका फॉर्म वहीं सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको सारा फॉर्म में सारा शेड्यूल मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सर, ये विद्यालय की ओर से अभिभावकों के लिए बड़ी सौगात है। जी, ये बहुत बड़ी सौगात है। झाझा वासियों को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं के साथ, हम एक झाझावासियों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लाए हैं क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, जो उससे मेघावी बच्चे गरीब हैं, पढ़ाई में दिक्कत है, उससे बच्चे स्कॉलरशिप एग्जाम देंगे और हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन पढ़ाई करें।